सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरीके का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो गाइस, आपको काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके आपको ये वाला काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, काइन मास्टर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर की ओर एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्रिएट न्यू पे अपना क्लिक करना है आपको। और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको 16x9 का साइज सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद गाइस आप सीधे मीडिया पे आओगे। तो मीडिया पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करने क्या होगा, आपको यहाँ पे एक ये वाले बैकग्राउंड पिक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से आके इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, इस बैकग्राउंड के ऊपर अपना आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पैन एंड जूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद गाइस आपको अपनी इस वाले बैकग्राउंड के इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम कर देना है। और जूम करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस आपको करने के इसकी लेंथ को खींच के आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जितना बड़ा स्टेटस वीडियो बनाना चाहें उतना बड़ी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेंथ को बढ़ा लेना है। बैकग्राउंड को लेंथ बढ़ाने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करने क्या है, स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे मीडिया पे जाना है। और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको एक अपनी फोटो पेंज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जो भी अपनी फोटो पेंज को ऐड करना चाहें उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करने के अपने रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके इस तरीके से रोटेट करके आपको यहाँ पे रख लेना है। आपकी पिक जिस तरीके से रहेगा आपको वहाँ पे उसको रोटेट करके इस तरफ को कर लेना है। इस तरफ करने के बाद इस आपको क्रॉपिंग पे जाना होगा और इसको इस तरीके से क्रॉप करना है। और इसका मास्क इनेबल करके आपको इसको फेदर को इसको फुल कर देना है। फेदर फुल करने के बाद इस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस आपको करने के इसको आपको इस तरीके से जूम करके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइस आपको इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके जाना है। और लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस आपको करने के इसको अंदर की ओर इस तरीके से छिपा देना है। और छिपाने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है। थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस चाबी वाले आइकन पे क्लिक करना है आपको। और चाबी वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इस पे प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको खींच के इधर पे इस तरीके से लेके आना है। और इधर पे इस तरीके से लेके आने के बाद गाइस आपको बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। और लास्ट पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक प्लस देना है। और प्लस देने के बाद गाइस आपको इस तरीके से मूव कराते हुए आपको यहाँ पे आगे की ओर थोड़ा सा लेके चले आना है। आगे की ओर लेके जाने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आना है। और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। देन आपको मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी एक और फोटो पेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करने के इसकी क्रॉपिंग पे जाना और यहाँ पे इस तरीके से अपनी पिक को क्रॉप करना है। और क्रॉप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इसका मास्क इनेबल करना है। और इसका आपको फेदर इस तरीके से फुल कर देना है। फेदर फुल करने के बाद इस आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद इस आपको करने के इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक लेके जाना है। और लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको इस तरीके से इसको जूम करके आपको यहाँ पे इस तरीके से ये चांद पे आपको लेके आना है। और इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको करने के इसके अल्पोपेसिटी पे जाना है। और हल्की सी इसकी अल्पोपेसिटी को आपको कम कर देना है जिससे ये देखने में काफी मस्त दिखाई देगा। तो आपको इस तरीके से हल्की से अल्पोपेसिटी को कम कर देना है। कम करने के बाद इस आपको करने के इसको आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पे इसके एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे आपको फेड कर देना है।
ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से होने के बाद गाइस आपको करने क्या है, आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पिक के ऊपर अपना क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ही सबको इसका वेगनेट आपको ओपन कर देना है। और वेगनेट ओपन करने के बाद ही सबको करने क्या है, सिंपली गाइस आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो एडजस्टमेंट पे जाना है और इसका ब्राइटनेस आपको थोड़ा सा कम कर देना है, और कम करने के बाद आपको इसका कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा देना है और सिचुएशन भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद ही सबको यहाँ से हो जाना है बैकअप, बैक होने के बाद ही सबकी इसकी स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही सबको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, और मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद गई आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे की वाले लिरिक्स वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गई आपको करने के इसका जो एक्स्ट्रा भाग होगा आपको उसको कट कर देना है, और कट करने के बाद आपको इस लिरिक्स को हल्का सा जूम कर देना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से लेके आना है और इधर पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे चले आना है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आपको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको यहाँ से होना है बैक, और बैक होने के बाद ही सबके इसकी एडजस्टमेंट पे जाना है और इसका कॉन्ट्रास्ट और सिचुएशन को इस तरीके से बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद भी सबको नीचे की ओर जाना है। नीचे आपको ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो ह्यू पे जाके इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो भी इसका कलर रखना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको ह्यू पे जाने के बाद इस तरीके से कलर भी अपना सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है, और स्टार्टिंग पे आने के बाद ही सबको करने के यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ही सबको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ग्लोइंग स्टार का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद ही सबको यहाँ पे ये वाला स्टिकर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबको करना है कि इसको इस तरीके से छोटा करके आपको यहाँ पे रख देना है, और इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको कर देना है। लास्ट तक करने के बाद सबको फिर से इस थीरोड पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है, और डुप्लीकेट करने के बाद ही सबको एक को उठा के यहाँ पे रखना है, और फिर से इस थीरोड पे क्लिक करना है, और डुप्लीकेट करके आपको एक को उठा के इस तरीके से यहाँ पे इसको ऊपर की ओर यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद ही सबको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, स्टिकर पे जाना है, और इसी वाले स्टिकर पे जाके आपको यहाँ पे एक ही वाले स्टिकर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद सबको इस तरीके से यहाँ पे जूम करना है, और जूम करने के बाद ही सबकी इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके चले आना है, और लास्ट तक लेके जाने के बाद ही सबको इस थीरोड पे क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट कर लेना, और डुप्लीकेट करने के बाद ही सबको एक को नीचे को ऐड कर देना है, और नीचे को ऐड करने के बाद ही सबको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे क्लिक करना, देन आपको यहाँ पे मीडिया पे चले आना है, और मीडिया पे जाने के बाद गई सबको यहाँ पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अगर इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद ही आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको इस तरीके से रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद आपको इसको इस तरीके से खींच के आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद ही आपको करने क्या है, इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना है, और इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे चले आना है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आपको इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ से होना है बैक, और बैक होने के बाद आपकी इसकी एडजस्टमेंट पे जाना, और इसका कॉन्ट्रास्ट और सिचुएशन बढ़ा देना है। सिचुएशन और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद आपको इसके लास्ट पे आना, और यहाँ पे कैची के ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, ट्रिम ट्राइडो प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है, और लेयर पे क्लिक कर देना है, देन आपको मीडिया पे चले आना है, और मीडिया पे जाने के बाद ही सबको करनी क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पेन जी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद ही सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ही सबको इस थीरोड पे क्लिक करना है, और इसको आपको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद सबकी इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके चले जाना है, और लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस आपको करने के लास्ट तक करने के बाद ही सबकी इसकी स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस देख सकते हैं वीडियो बनके कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको इसको एक बार ओपन करके इसका प्रीव्यू आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से बना है। तो जैसा गाइस देख सकते हैं वीडियो काफी कमाल का बन गया है।
तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊपर की ओर एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई कर देना है और इसके एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ये लाइन पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा।